2016 में एक मराठी फिल्म आती है सैराट, नागराज मंजुले जी की ये फिल्म, जिसे इंडियन ऑडियंस ने बहुत ही ज़्यादा चाहा, अप्रिशिएट किया। क्रिटिक्स ने बोल दिया कि भैया हम तो देंगे थम्स अप। मोर देन 100 करोड़ का बिजनेस किया इसने इंडियन बॉक्स ऑफिस में। अब आई है दोस्तों धड़क, जो कि इसका हिंदी एडाप्टेशन है। बेसिकली शशांक खेतान लेकर आए हैं ये फिल्म, धर्मा प्रोडक्शन की ये बेसिकली फिल्म है। जानवी कपूर और ईशान खट्टर हैं इसमें। चलिए बात कर सकते हैं कि आप इस फिल्म को देख सकते हैं या सिंपली मिस कर सकते हैं। सबसे पहले स्टोरी लाइन जो है सेम वही है सैराट की, बट एंडिंग चेंज है। जी हाँ दोस्तों, सैराट का जो क्लाइमेक्स था डिप्रेसिंग था, बहुत ही ज़्यादा अनोइंग था और बहुत ही ज़्यादा अमेज हम रह गए थे कि यार ये क्या हो गया। ठीक वहीं दोस्तों इस फिल्म यानी कि धड़क का भी क्लाइमेक्स यही है। आई डोंट वॉन्ट टू रिवील दिस थिंग, लेकिन आप जो क्लाइमेक्स देखेंगे आप भी शॉक हो जाएंगे, आप भी नम हो जाएंगे और आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, एक पल की चुप्पी धर लेंगे आप। बात करते हैं दोस्तों सिनेमेटोग्राफी की, तो धड़क की सिनेमेटोग्राफी लार्जर देन लाइफ है। आई रियली लव इट। फर्स्ट हाफ जो है वो राजस्थान में है, राजस्थान में जिस तरीके से कलर है, वेराइटी है कल्चर की, पानी है, पहाड़ है, जंगल है, झरने हैं वगैरह वगैरह, इन सारी चीज़ों को बखूबी से दिखाया है सिनेमेटोग्राफर साहब ने। मैं तारीफ करना चाहूँगा विष्णु राव की। विष्णु राव साहब ने बहुत ही कमाल की सिनेमेटोग्राफी करी है, तारीफ के काबिल है। सेकंड हाफ इवेंचुअली जो है फिल्म का मूव कर जाता है कोलकाता में, तो कोलकाता को भी बहुत ही शानदार तरीके से कैप्चर किया गया है। अब बात करते हैं डायरेक्शन की। शशांक खेतान जो कि दुल्हनिया सीरीज से बहुत ज़्यादा चर्चा में आ गए दोस्तों, मुझे इस फिल्म के अंदर उनका डायरेक्शन थोड़ा सा 19-20 का फ़र्क लगा। लास्ट उनकी जो आई थी फिल्म दोस्तों तुझको बना करके ले जाएंगे हम बद्री की दुल्हनिया, यानी कि बद्रीनाथ की दुल्हनिया, उसमें उनका जो डायरेक्शन था वो परफेक्ट था, माइंड बॉगलिंग था। इस फिल्म के अंदर हो सकता है कि स्क्रिप्ट उनके पास सामने के सामने पड़ी है, जिसकी वजह से उन्होंने स्क्रिप्ट को ज़्यादा कुछ मॉडिफाई नहीं किया, लेकिन स्क्रिप्ट को हमें एज इट इज़ रख दिया है, क्लाइमेक्स चेंज करके और बीच के एक दो सिक्वेंस चेंज करके। शशांक खेतान ने जॉब अच्छा किया है, लेकिन उनसे जितना एक्सपेक्टेशन था सर उससे थोड़ा सा 19-20 का फ़र्क रहा है। बात करें दोस्तों म्यूज़िक की, तो सॉन्ग्स तो अजय अतुल साहब ने दिए हैं जो कि ऑलरेडी हिट हो चुके हैं, जिंगाट हो या फिर कोई धड़क है ना वाला सॉन्ग हो, और इंट्रोल से पहले ही तीन सॉन्ग आ जाते हैं जो कि सिचुएशन के हिसाब से हैं, तो ठीक है हम एक्सेप्ट कर सकते हैं उस चीज़ को। लेकिन बैकग्राउंड स्कोर बहुत ही ज़्यादा हॉन्टिंग है, बैकग्राउंड स्कोर बहुत ही ज़्यादा दिल दहलाने वाला है और आपको घूसबम्प्स क्रिएट करता है। आपको मैं बता दूं बैकग्राउंड स्कोर जिन्होंने दिया है उनका नाम है मिस्टर जॉन स्टीवर्ट एडूरी। इन्होंने जो बैकग्राउंड स्कोर दिया है दोस्तों आपको डराएगा, आपको बेसिकली खुशी फील कराएगा, आपको हर एक इमोशंस फील कराएगा। मुझे पर्सनली इनका जो चेजिंग सीन में जो बैकग्राउंड स्कोर है अगर आप ध्यान से सुनेंगे ना वो आपको घूसबम्प्स डेफिनेटली देकर जाएगा। एक्टिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो ईशान खट्टर नो डाउट दिल पर छा जाते हैं, उनकी जो क्यूटनेस है, उनका जो इनोसेंस है वो पूरी तरीके से ऑलराउंड अभिनेता है। ईशान खट्टर कल के आने वाले सुपरस्टार हैं। ईशान भाई ऑल द वेरी बेस्ट फॉर फ्यूचर, आपने बहुत शानदार काम किया है, आपको देखकर मज़ा आता है, यू आर सो डिलाइटफुल ऑन स्क्रीन। जानवी कपूर से हम लोग कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्योंकि वो श्रीदेवी जी की डॉटर हैं, लेट श्रीदेवी जी, जिन्होंने जो कि इंडिया की पहली फीमेल सुपरस्टार थी, जानवी कपूर को वो सिखा कर गई हैं। कुछ कुछ सीन्स में जानवी जस्ट माइंड बॉगलिंग है, जस्ट अमेजिंग है, ट्रिमेंडस है, लेकिन इमोशनल एस्पेक्ट पे जानवी कहीं ना कहीं कमज़ोर दिखाई देती हैं। जानवी को देखकर हमें रोना नहीं आता, जानवी के कैरेक्टर के साथ हमें सिंपैथी नहीं होती, लेकिन हाँ जानवी खूबसूरत लगी हैं, जानवी बहुत ही ज़्यादा आकर्षक लगी हैं और बहुत ही ज़्यादा शानदार लगी हैं, जो कि मतलब तारीफ़ के काबिल है, ऑब्वियसली जानवी कपूर हैं वो। बात मुझे करनी है सपोर्टिंग कास्ट की, जो कि फिल्म को आगे लेकर जाती है, और उस श्रेणी में सबसे पहले आते हैं आशुतोष राणा। उन्हें देखकर डर लगता है दोस्तों, उन्हें देखकर एक खौफ महसूस होता है। आशुतोष सर के साथ साथ दोस्तों इस फिल्म में शालिनी जी भी हैं जो कि जानवी कपूर की मम्मी बनी हैं। इस फिल्म में ईशान खट्टर के जो दोस्त हैं दो, वो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आया, और फिल्म में जो ह्यूमर एलिमेंट ऐड करते हैं वो दोनों करते हैं। मैं नाम लेना चाहूँगा उनका अंकित बिष्ट और दूसरे का नाम है श्रीधर वत्सर। श्रीधर वत्सर की कॉमेडी बहुत ही ज़्यादा शानदार है, हिलारियस है इस फिल्म में। हाँ, गैंग्स ऑफ वासीपुर वाले आदित्य भी हैं जो कि परपेंडिकुलर का जिन्होंने कैरेक्टर निभाया था, जो कि अपने मुँह में ब्लेड लेकर घूमते थे, उनका भी कैरेक्टर अच्छा है। जितना भी उन्हें काम दिया गया फिल्म के अंदर उन्होंने बखूबी से निभाया है, लेकिन स्टैंड आउट जो
करते हैं वो करते हैं श्रीधर वत्सर और आशुतोष राणा जी। सो होल सब मिला के कास्ट का काम बहुत ही शानदार है और इसके लिए तारीफ तो हम शशांक केतान को ही देंगे क्योंकि उनके दिमाग में क्लियर था पिक्चर कि उन्हें क्या दिखाना है। फिल्म में दोस्तों गाने तीन हैं जो कि मेरा तो फेवरेट जिंगाटी है और धड़क कोई धड़क है ना वो है। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी अच्छी है, फिल्म की लोकेशन स्पेक्टेकुलर है, फिल्म का फर्स्ट हाफ हिलेरियस है, जस्ट हिलेरियस है, माइंड बॉगलिंग है। फिल्म का सेकंड हाफ जो है वो आपको इमोशनल कर कर जाएगा। फिल्म की एंडिंग बहुत ही ज़्यादा दिल दहलाने वाली है, शॉकिंग है और आप है ना एकदम नम हो जाएंगे, आपके कान बंद हो जाएंगे। आई गेस मुझे तो मेरे हो गए थे और आपके भी हो सकते हैं अगर आप ध्यान से देखेंगे फिल्म तो। ओवरऑल फिल्म देखने में अच्छी है लेकिन हाँ दिमाग में बस ये सोच के मत जाइएगा कि सैराट का हम हिंदी वर्जन देखने जा रहे हैं क्योंकि ये सैराट नहीं है, ये सैराट से अलग है, ये है धड़क जो कि आपके दिल में डेफिनेटली आपकी धड़कनों को धड़का के जाएगी। सो अगर स्टार्स की बात करें तो 5 में से मैं 3 स्टार देना चाहूँगा इस पूरी फिल्म को। फिल्म देखिए आप, फटाफट कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू बताएं और ये भी बताएं कि आप कितने स्टार्स देंगे, आपको कैसा लगा काम सबका। कमेंट सेक्शन आपका है, आपके कमेंट्स का इंतज़ार करेगा आपका ये राहुल भोज। टेक केयर।